I integrate x to the power 4x dx divided by tan square x plus 4. यहां पर आप पुट कर दो x to the power, x तो नहीं है, sec के फॉर्म में है, तो tan को हम पुट करते हैं, put tan x equal to t अगर पुट कर दे, और चूंकि 4 भी है तो चलिए 4 तो बाद में t to the power 2 plus 4 हो जाएगा. अगर इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे तो tan x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड, हाँ x स्क्वायर ये sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, लेकिन sec है इतना का वैल्यू डायरेक्ट आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर sec स्क्वायर है, सॉरी 4 लिखा गया, sec स्क्वायर dx, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt. अब नाउ क्वेश्चन, dt डिवाइडेड बाय रूट अंडर t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, लिख सकते हो इसको किस फॉर्मूला में, ये आ गया, आप इसका फॉर्मूला क्या पढ़े हो, फॉर्मूला है dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, लॉग प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो क्वेश्चन है वही यहां हो जाएगा. तो यहां अगर फॉर्मूला हम सेट कर दें, ये आपका फॉर्मूला है तो सेम इसी फॉर्म में है, तो आप लिख सकते हो लॉग x के प्लेस पर t प्लस रूट अंडर t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c, t का वैल्यू पुट कर दो, log t इक्वल टू tan x प्लस रूट अंडर tan स्क्वायर x प्लस 4 प्लस, बोलिए रौनक तुषार, ये कहीं प्रॉब्लम इसमें, जो फॉर्मूला का यूज किए हम साइड में इसलिए लिख दिए कि डिवीजन होते रहेगा फॉर्मूला, डायरेक्ट कहां से लॉग आ गया आपको याद रहेगा, वही 9 फॉर्मूला वाला पर चल रहा है, जो सम मोर इंटीग्रल है उसी पर बेस्ट ये क्वेश्चन है. अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं जो थोड़ा अलग टाइप का है. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हाँ ठीक है. अब देखिए यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप जो रूट का है तो जो फॉर्मूला 3 फॉर्मूला सम मोर इंटीग्रल का पढ़े हो उसी का यूज होगा, लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर और t स्क्वायर का फॉर्म में नहीं है. तो 10th में हम लोग एक पढ़े थे, क्या पढ़े थे, हैप्पी बर्थडे पापा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्म में, तो मेन इस क्वेश्चन में आपको सीखना है कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्म. तो देखिए कैसे, पहले उसी को सीख लो तो एक लाइन बन जाएगा. जैसे देखिए यहाँ जो रूट अंडर है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू,
आपको ए का टर्म मिल गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या होना चाहिए कंप्लीट स्क्वायर के लिए, प्लस टू ए बी, तो तुम लिख दो टू इंटू ए के प्लेस पर एक्स, बी के प्लेस पर यहां पर क्या डाले कि तीनों का प्रोडक्ट होना चाहिए टू एक्स, क्या डाले, क्या डाले, वन डाले। अगर आप वन लिखते हो यहां पर तो देखिए तीनों का प्रोडक्ट यहां टू एक्स हो जाएगा, तो ये टर्म ही मिल गया, ये टर्म ही मिल गया, यानी ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, तो प्लस चाहिए आपको बी का स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए, बोलिए। तब इस तीनों को आप लिख सकते हो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो लेकिन आप अपने से नहीं कर देना है, इस टर्म को हम मिल जा रहा है, ये टर्म आपका यहाँ पर मिल जा रहा है, ये भी टर्म मिल जा रहा है, यहाँ आपके पास टू है, केवल वन यूज हो रहा है, एक वन तो बच जा रहा है, एक वन तो बच जा रहा है, नहीं समझा, यहाँ आपके पास टू था और यूज कितना कर रहे हैं वन का, तो क्या करते हैं प्लस, बोलो, ठीक है, यहाँ पर प्लस वन, हाँ यही हम इतना डायरेक्ट यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं, ये आप एक्स्ट्रा यूज किए जो बुक में बताया हुआ कहीं भी नहीं रहेगा, हम इसी फॉर्म में, आप इसको वन को तुम लिख सकते हो वन का स्क्वायर, तो तुम्हारा ये फॉर्मूला में आ गया, ये डी एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर, अब इतना को हम क्या बना दिए, एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, बोलिए। अगर इसको तुम तोड़ करके ए प्लस बी के स्क्वायर के तोड़ करके अब तोड़ो तो फिर यही चीज आ जाएगा जो क्वेश्चन था, ये समझ में अगर आ गया थी क्वेश्चन, समझ गए आप, चलिए तुषार आप पीएस के समझ, हाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है क्लास टेंथ का क्वाड्रेटिक का, क्लास टेंथ का क्वाड्रेटिक, देखो ना एक्स स्क्वायर का फॉर्म में है, इलेवन पे भी कुछ हम यूज किए हैं क्वाड्रेटिक का, तो वहां पर आई के फॉर्म में था, हम क्या किए, देखिए यहाँ प्लस है तो आप पढ़े हो ना, देखो यहाँ पर ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होल स्क्वायर, क्या पढ़े हो, ए का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, तो चूंकि यहाँ प्लस था आपका तो इस तीनों से हम उसी फॉर्म में, देखो इसको बना दिए ए, एक्स को ए की जगह पर क्या आ गया, एक्स आ गया, टू इंटू ए के जगह पर एक्स, अब आपको देखना है कि बी के जगह पर क्या डालें कि तीनों का प्रोडक्ट टू एक्स होना चाहिए, चूंकि यहाँ टू एक्स है, तो टू एक्स है, यहाँ टू एक्स ऑलरेडी हो चुका था तो हमको खाली वन डाल देना था, तो बी का टर्म मिल गया, तो प्लस बी का स्क्वायर कर दिए, तो प्लस बी का स्क्वायर यानी वन, यहाँ पर आपका क्वेश्चन में टू था तो और एक एक्स्ट्रा प्लस वन इधर कर दिए, यानी इस तीनों से आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया ये, और ये जो वन बचा वन का स्क्वायर, वन लिखो चाहे उसको फॉर्मूला में ले आए वन का होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला पढ़े हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, अब आप फॉर्मूला यहां पर लगा सकते हो, और ये जो आप करोगे रफ में या क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, जो स्टेप दिखाए, क्योंकि क्वेश्चन में बार बार इंटीग्रेशन का सिंबल देना पड़ता, अब बताइए अब किस फॉर्मूला का यहां पर यूज करेंगे, इसके पहले वाला फॉर्मूला क्या बताए थे आपको, डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही बताए थे ना, रूट अंडर क्या क्या था, लॉग, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यही था ना, तो यहां भी आपका फॉर्मूला डायरेक्ट ये लिख देंगे, कहीं कोई अंदर नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा लॉग एक्स के प्लेस पर एक्स प्लस वन
प्लस रूट अंडर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। वन का होल स्क्वायर वन ही होता है। यानी यहां पर मेन रोल क्या था, आपको फॉर्मूला लिखना था, फॉर्मूला याद रखना है, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्म में आपको अरेंज करना है। क्वेश्चन तो एक लाइन में बना, लेकिन उसके पहले आपको तीन स्टेप कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डीएक्स आप वन लिखो चाहे डीएक्स इधर लिखो, उससे कोई अंतर नहीं है। नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव। अब यहां पर देख रहे हो रूट अंडर नहीं दिया है, यानी रूट अंडर नहीं दिया है, जो शुरू का तीन फॉर्मूला है उसका हम यूज करेंगे ना, उसका हम यूज करेंगे। अब पहले तो आप ये जो क्वाड्रेटिक का फॉर्म है इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्म बनाना है। हमको x केवल अकेला चाहिए, x जो है हमको x क्या चाहिए अकेला। तो क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे इसको, इसको क्या करोगे 9 से। तो अगर डिनोमिनेटर 9 से डिवाइड होगा तो डिनोमिनेटर भी 9 से डिवाइड होगा, होगा। तो चलिए पहला काम आप वही कीजिए, 1 बाय 1 dx बाय समझो यहां 9 है डिवाइडेड बाय 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और इसको भी 9 से डिवाइड कर दिए। चलिए कोई प्रॉब्लम, हम 9 से क्यों डिवाइड किए, क्योंकि x स्क्वायर को जब अकेला कर देंगे बिना कोफिशिएंट का तब तो x स्क्वायर लिख दोगे। ऐसे तुम्हारा कहना है कि सर 3x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, चलिए लिख सकते हो, लेकिन अच्छा रहेगा केवल x रखो। अब आपका क्वेश्चन आ गया, देखो ये 1 बाय 9 कॉन्स्टेंट हो गया dx, ये 1 बाय 9 को बाहर कर दिए और ये 9 तीनों में डिवाइड हो गया, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, इसमें डिवाइड करोगे तो देखो जैसे 6x बाय 9, तो 6x बाय 9 को 3 से काट दो 2 और 3 से काट दो 3, क्या बच गया 2x बाय 3 और प्लस 5 बाय 9। पहला स्टेप में कोई प्रॉब्लम, अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर इसका बना रहे हैं, पहले कर लेते हैं तब डायरेक्ट यहां पुट कर देंगे, है ना। पहले हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्म हम कर लेते हैं। देखिए आपका इससे a का स्क्वायर, a का टर्म तो मिल गया x, बोलिए प्लस 2 इंटू, क्योंकि फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। बी का टर्म हमको मालूम है नहीं है, तो बी का टर्म यहां पर क्या लिखे, जो तीनों का प्रोडक्ट 2x और इस टर्म जो टर्म डालेंगे तीनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जल्दी बोलो क्या होना चाहिए तुषार, 2 बाय 3x होना चाहिए, क्या होना चाहिए
गुड, 1/3 यहाँ पुट कर देंगे, यही जानो, बस हो गया। जो ये सीख गया कि 1/3 हम कहां से लाए, यानी बी का टर्म आपको मिल गया, तो प्लस बी का स्क्वायर भी चाहिए, तब ना हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब अभी आपके पास ये टर्म है, ये तीनों का प्रोडक्ट ये टर्म भी है, अब बताइए ये तो आप एक्स्ट्रा लिखे हैं, तो जितना प्लस किए उतना क्या कर दे, माइनस कर दे, बच गया प्लस 5/9। बस यही आपको समझना है, यानी इस तीनों से आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसको आप सॉल्व कर दीजिए, कहीं भी रफ में यहां सॉल्व कर लेते, इससे क्या होता है, ये माइनस है 1 का स्क्वायर 1/9 प्लस 5/9, इसका एलसीएम 9 माइनस 1 प्लस 5 यानी 5/9, ये क्या बचा, सॉरी 5/9 माइनस 1 प्लस 5 क्या होगा, 4/9, ये क्या रहा है, 4/9 आ रहा है। तो जो यहां इतना को सॉल्व किए आया 4/9, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। चलिए मेन आपको अब ये क्वेश्चन इतना आपका, हम मेन ये दो लाइन आपको समझना था, ठीक है, और इस दो लाइन के बाद आपका फॉर्मूला में सेट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को यहां पर लिख देंगे 1/9 dx डिवाइडेड बाय, और इसके जगह पर हम इसको डाल दिए x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, यानी आप यहां पर फॉर्मूला पढ़े हो dx बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, पढ़े हो, इसका क्या फॉर्मूला होता है, dx बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a, ठीक बोला, और tan इनवर्स x बाय a प्लस, गुड। अब इसी फॉर्मूला का, ये फॉर्मूला नंबर कितना में लिखे हुए थे, थर्ड में था, बस इसका यूज कर दो यहां पर, ये तो 1/9 एक्स्ट्रा है इंटू 1/a, a के प्लेस पर 2/3 ऐसे, इसके बाद tan इनवर्स x, x के प्लेस पर इसको लिखोगे x प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय a, a मीन्स 2/3 प्लस c, है ना, इसको हम प्लस c, इसको और अरेंज करेंगे, जैसे ये है 1/9 है, डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई करोगे, जैसे तो ये हो जाएगा 3/2, तो 3 3 9 तो क्या बच गया 1/6, इसको सॉल्व किए तो आपका आ गया 1/6 आ गया। उसी ढंग से इसका भी एलसीएम लेकर के थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म कर दोगे तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस c, यही आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर। कैसा लगा ये क्वेश्चन, हार्ड लगा, बोलो हाँ, तो स्क्वायरिंग वाला जैसे आप पढ़े नहीं, लेकिन ये नया चीज नहीं, आप भूल गए होंगे पढ़े होंगे तो चलिए फिर डिवीजन हो रहा है ना, तो आपको, आपके लिए ऐसा नहीं समझ में नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस है ना, आप प्रैक्टिस कर लोगे, ये तुषार आपको याद है टेंथ में पढ़े थे, हाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर का एक आरएस वाले एक एक्सरसाइज बना दिया था क्वाड्रेटिक में, याद है,
और यहां पर देखो कुछ लिखा हुआ नहीं है, हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं उसका, इसका डायरेक्ट यूज करते हैं। चलिए आठ नहीं है, और ऐसे और जो जो कंपनी का स्क्वायर का उसका हम बता देंगे दो चार और। इसको हटा दें, एक और बता देते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। वन बाय रूट अंडर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो मेन आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर को अरेंज किसको करना है, तो करना है सेवन माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसी को ने करना है। बोलिए अब जरा सा ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले नहीं रखा है ना, तो एक काम आप कर सकते हो इसमें, हम ऐसा करते हैं सेवन कर दिए बाहर, इस दोनों से माइनस कॉमन ले लो, माइनस अगर कॉमन ले ले तो यहां क्या बच जाएगा, सिक्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो तुम लिख दो, या एक काम करो उससे भी अच्छा रहेगा, और कंफ्यूजन हो जाएगा। वो यहां माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर है ना पहला टर्म, फिर एक्स वाला माइनस सिक्स एक्स है, और ये सेवन का मतलब प्लस सेवन है। चलो पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का, फिर बिना एक्स का हम अरेंज कर दिए। आगे माइनस रखना हम नहीं चाह रहे हैं, तो आप माइनस ऐसे कॉमन ले लो ना, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस सेवन, सभी का सिंबल चेंज हो जाएगा यहां पर। अब आपका देखो बन गया a का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू टू इंटू ए, ए मेरा मिल गया x, b में यहां पर क्या नंबर डाले कि तीनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, क्या डालेंगे, तो आपका b का टर्म क्या मिल गया, तो थ्री का स्क्वायर कर दिए, तो यानी ये तीनों कंप्लीटिंग स्क्वायर आ गया। तो ये जो प्लस थ्री स्क्वायर किए मेरे पास था नहीं, उतना हम माइनस कर दिए, उतना हम माइनस कर दिए, अब बच गया माइनस सेवन। ओके, ये आपका इस तीनों टर्म से ए प्लस बी का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे इस दोनों टर्म को तो थ्री का स्क्वायर नाइन, यानी माइनस नाइन और माइनस सेवन क्या होगा, माइनस सिक्सटीन। अब देखिए इस माइनस को अंदर करोगे तो ये टर्म आपका माइनस में हो जाएगा, ये टर्म आपका क्या चीज में होगा, प्लस में। चलिए प्लस वाला को पहले कर दो, ए का आज चूंकि ये माइनस बन गया ना, तो ए का स्क्वायर, ए का मतलब फोर का स्क्वायर, चूंकि प्लस का हो गया माइनस वाले को बाद में कर देते हैं, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर।
ये आपका आगे से माइनस में हट गया, यानी अब ये क्वेश्चन तुम्हारा बन गया dx डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर यानी x प्लस 3 का। कैसे अरेंज हो गया? अब क्वेश्चन जाकर के आपको फॉर्म बना, इतना करने के बाद आपका क्वेश्चन अरेंज हो गया। अब इसका आंसर क्या होता है जरा हमको बता दो तू। dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है? नहीं, केवल साइन इनवर्स x प्लस 3 यानी x बाय ए प्लस सी। बोलिए तो है इसका ये फॉर्मूला क्या? आप फॉर्मूला नंबर कितना है तू साहब? फॉर्मूला नंबर कितना है? 1/a भी होता है ना, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/a यानी 1/4 साइन इनवर्स टेन इनवर्स सॉरी साइन इसमें लिख दिए हैं रूट अंडर है ना जी, तो रूट हम लगा रहे थे वो वाला। चलिए तो केवल तब 1/a नहीं होगा, तब 1/a नहीं है, केवल साइन इनवर्स एक्स प्लस 3/4 होगा। अगर रूट अंडर है तो, रूट अंडर नहीं है तो टेन इनवर्स हो जाएगा। चलिए ये समझ में आ गया।